रंबा सेरी 44% के हिसाब से जो प्रीमियम ऊपर की तरफ में लिस्ट हुआ, फिर वहाँ पे काफ़ी लोगों ने जिनका नहीं लगा उन्होंने लिया, और जिन लोगों का लग गया उन्होंने भी ये शेयर लिया, और काफ़ी खासी 1000 या 2000, मतलब जैसे कि इन्होंने लास्ट के कुछ IPO देखे होंगे जिसमें लगातार तरीके से शेयर ऊपर की तरफ में जा रहा, बार बार उसमें अपर सर्किट लग रहे हैं, तो उन्होंने भी शेयर सिनेरियो हरम्बा के साथ भी यही चीज़ सोचा। जैसे कि आपने रेलटेल भी देखा होगा, वो कंटिन्यूसली उसमें बढ़ता ही चला जा रहा था, उनको भी लगा कि यहाँ पे हम क्यों ना अपनी क्वान्टिटी एक बार ऐड कर लें। अब सिनेरियो ये है कि अब उस सिचुएशन में जानना चाह रहे हैं क्या इसे और ऊपर की तरफ मैं जा सकता है, और उन लोगों को भी शिकायत होगी अपने से जिनको लिस्ट हो गया, उन्होंने कहा कि काश मैं 900 में अपना प्रॉफिट बुक कर लेता तो काफ़ी मेरे लिए अच्छा रहता। पे प्रॉफिट बुक करके वो सोच रहे होंगे काश मैं 800 में दोबारा ले पाता। तो ये चीज़ को प्रिडिक्ट करना आपके हाथ में नहीं है, और आप इस पर बार बार सोचेंगे कि काश मैं ऐसा कर देता, काश मैं वैसा कर देता, काश मुझे मिल जाता तो मैं यहाँ पे सेल कर देता, और मुझे मिला नहीं तो मैंने यहाँ पे अपने एक और लॉट ले लिया और ये नीचे की तरफ मैं खिसकता हुआ आ गया। तो इस साइकोलॉजी को समझने के लिए मैंने एक सिनेरियो ड्रॉ कराया आप लोगों के लिए, और उससे आप हर IPO को बीट कर पाएंगे। पहले बात कर लेते हैं IPO की, जहाँ पे आपको अलॉट हो गया। जहाँ पे क्या होता है, जैसे अलॉट हुआ आपको और आपने देखा शेयर ऊपर की तरफ में जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, तुरंत सेल कर देंगे उस चीज़ को, और जितना भी प्रॉफिट होगा आपका मिल जाएगा। और जैसे आपने सिनेरियो देखा, यहाँ पे आपको 44% का रिटर्न मिला हरम्बा पे लिस्ट होने पे। तो यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ, जैसे कि आपने 15,000 का अमाउंट लगता है मिनिमम, तो यहाँ पे क्या सिनेरियो है, 15,000 का अमाउंट अगर आप बैंक में रखेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना रिटर्न दे देगा, अगर 10% के हिसाब से भी माने तो 1500 का रिटर्न दे देता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं मान के चलूँ हरम्बा जैसे शेयर में आपको 40% के आसपास मिला, मतलब 4 टाइम्स, मतलब आपको मिला 6,000 रुपये 15,000 इन्वेस्टमेंट करने पे, और बिल्कुल 4 साल का रिटर्न आपको एक ही बार में मिल गया। जहाँ पे बैंक में FD का भी अगर मैं मैक्सिमम 10% के हिसाब से भी जोड़ रहा हूँ, अगर गोल्ड की भी बात करो जो अभी लास्ट टाइम में अच्छा खासा रिटर्न तो दिया है, लेकिन अगर उसके आप साल टू साल देखेंगे वहाँ पे भी आपको इतना 40% का रिटर्न नहीं मिला होगा जितना इस शेयर में मिल गया, या फिर जैसे IPO में लगाते तो अप्रॉक्स 100% का भी रिटर्न आपको मिल जाता है। तो इस सिनेरियो में आप एक ग्रीडी आपके अंदर आ जाती है, समझने की चीज कोशिश करिए। जो लोग यहाँ पे एक और लॉट बाय कर लेते हैं, उन लोगों को लगता है काश ये कंटिन्यू बढ़ता रहेगा और ये शेयर ऊपर की तरफ में जाता रहेगा। क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में कमेंट पढ़ रहा था तो एक बंदे का लग गया था, उन्होंने यहाँ पे 900 में फिर ले लिया, उन्होंने एवरेज बताया उनका अप्रॉक्स 750 के आसपास उनका एवरेज बैठा है, क्या वो यहाँ पे शेयर पे एग्जिट कर ले उन्होंने पूछा है। तो मैं उनको फंडामेंटल में बताऊंगा कि हाँ भी इसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखा जा सकता है कि नहीं जा सकता। लेकिन अभी यहाँ पे आपको सिनेरियो समझने वाली चीज़ ये है, अगर आपका लॉट हो जाता है तो आपको लिस्टिंग गेन उठा लेना चाहिए, वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके जरूर निकल जाना चाहिए। इससे बेनिफिट आप लोगों का ये होगा कि आप वहाँ पे जितना आपको परसेंटेज मिल रहा है आपको मिल जाएगा, और जो अमाउंट वहाँ से आप निकालेंगे 15,000 का अमाउंट, अगर यहाँ 44% के हिसाब से रिटर्न मिल जाता तो 6,000 के आसपास आपको रिटर्न मिल गया, तो यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ है आप लोगों के लिए। वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर ले, 15,000 का अमाउंट आपका 20,000 प्लस हो चुका है, फिर वो पैसे लेके या तो सेम सिनेरियो इसी शेयर में लगा सकते थे जैसे ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड का वेट करते, या फिर सिनेरियो ये होता है आप दूसरे IPO में लगा सकते थे वो 15,000 का अमाउंट। अब ये सिनेरियो को मैं थोड़ा उल्टा कर देता हूँ, ये सिनेरियो में अगर ये शेयर ऊपर की तरफ में चला जाता फिर आप क्या ये सीन कर पाते, अगर आपका जैसे यहाँ पे अपने प्रॉफिट बुक लिया 900 रुपये, फिर अगले दिन ये 1100 हो गया, तो आपको वो 200 का जो पर शेयर पे मिल सकता था, आप उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहेंगे, काश में शेयर में बना रहता, वो सारी चीज़ रहती है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, ये सिनेरियो किसी के भी हाथ में नहीं है, ना मेरे हाथ में, ना आप लोगों के हाथ में, या बड़े से बड़े एक्सपर्ट के हाथ में नहीं है कि ये शेयर यहाँ से तुरंत यहाँ से जंप ले सकता है। ये डिमांड पर डिपेंड करता है, और सबसे ज़्यादा कितने हिसाब से इसकी डिमांड हो रही है, किस हिसाब से इसका जो चल रहा है सिनेरियो पूरे मार्केट में, उस हिसाब से ये शेयर बढ़ता घटता रहता है। आपको अलॉट हो जाता है तो अगर 10% से ज़्यादा का रिटर्न मिल रहा है तो मैं वहाँ पे मेरी सजेशन ये रहती है कि आप अपना प्रॉफिट बुक कर ले तो बहुत बढ़िया रहता है आप लोगों को, और जैसे 40 या 50% रहता है तो वो आपके लिए और भी अच्छा लक की तरह से काम कर जाता है। अभी आपको लगता है कि फंडामेंटल इसके ज़्यादा अच्छे तो इस शेयर को लेके बैठना पड़ता है, और ये नहीं कि भैया कि ये शेयर नीचे की तरफ में आ गया तो हम क्या यहाँ पर सेल कर दें, ये सिनेरियो में नहीं करना चाहिए आप लोगों को, आपको लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से रहना चाहिए। जैसे हरम्बा में अभी ये शेयर काफ़ी अच्छी प्रोटेशनल लगता है, अगर इसे लॉन्ग टर्म के विजन से रखेंगे तो काफ़ी आपको अच्छा मिल जाएगा, लेकिन लिस्टिंग जब जैसे 40% के आसपास होती है तो आपको प्रॉफिट बुक करना ज़्यादा बेटर रहता है, और जब करेक्शन आती है तब आपको बाय करना रहता है। इन्हों काफ़ी लोग ये भी कहेंगे कि IRCTC के साथ में देख लीजिए, वो फिर उस रेट पर आया नहीं जिस IPO रेट में वो था,
लेकिन आप काफ़ी रेट ये भी देख सकते हैं, जैसे कि आप मैं बात कर लूँ उसके साथ, मैं आप इस वेक्टर की बात कर लूँ, या फिर उसके साथ तो आया था आपके साथ बर्गर किंग भी आया था, वो भी काफ़ी अपने जो लिस्टिंग से वहाँ से 100 100 पॉइंट्स के आसपास वो नीचे की तरफ में गिर गए। तो काफ़ी लोग वो अपॉर्चुनिटी भी मिस कर चुके हैं जहाँ पर वो सेल कर सकते थे, और लोगों ने उस जगह पर बाय भी कर लिया तो वो उनका नुकसान हो गया। अब काफ़ी लोगों के सवाल ये भी आ सकता है कि यार यहाँ पे मैंने अलॉट तो हो गया और मुझे नीचे की तरफ में शेयर मिला, तो इस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं? या तो आप सेल कर देंगे, सेल करना अच्छा ऑप्शन नहीं रहता अगर आपने एक्सपर्टाइज करी है उस चीज़ में और देखा है कि हाँ ये शेयर में इतनी पोटेंशियल है और इतना अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो आप वहाँ पे उस शेयर को सेल ना करें तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा IRCFC के साथ में, वहाँ पे वो अच्छा खासा फाइनेंशियल में आपको 20 25 रुपये के रेट में मिला, और वो थोड़ा सा उसी रेट में आसपास में चल रहा है, लेकिन वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत रिटर्न दे देगा, लेकिन उसका जो मॉडल है काम करने का तरीका है वो एक्चुअल में 10 15 साल के हिसाब से उसको चीज़ें मिलती हैं। तो वहाँ पे ऐसे सेल को आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए कर रहे हैं तो आप वहाँ पे सेल करके अपना पैसा निकाल कर दूसरे IPO में लगाएंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल सकता है, और वो जो जितना टाइम में आप वो पैसा बना सकते थे उस शेयर में उतना टाइम में अगर रहते हैं तो आपको रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं, और आप काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिस भी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं जिन लोगों का नहीं लगता है शेयर, जैसे वो देखते हैं शेयर ऊपर की तरफ में भाग रहा है, जैसे इसमें हुआ, जैसे काफ़ी लोगों ने देखा अरे यार इतने ऊपर में लगा, मैंने अप्लाई करा था मेरे को तो नहीं लगा यार, चलो 900 में खरीद लेता हूँ, फिर वहाँ से देखते अरे यार ये 800 के आसपास में आ गया, और फिर वो पैनिक करने लग जाते क्या करूँ मैं, बेच दूँ क्या, अगर कभी शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। ये सिनेरियो आपके साथ में अभी हो रहा होगा, अगर आपने आपको लगाया आपका नहीं लगा और आपने फिर इस जगह पर लेना सही समझा और सोचा कि यार यहाँ से ही फिर ये अपर सर्किट 1 2 दिन तो चलता ही चलता है, तो इस सिनेरियो में आपने यहाँ पर बाई करा। तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा, आपको अगर नहीं लगता है IPO में तो आपको शेयर पे फंडामेंटल एनालाइज करनी चाहिए, देखना चाहिए अभी इतनी ज़्यादा हाइप आ रखी है मार्केट में, जिस वजह से ये शेयर में इतनी ज़्यादा खरीदने के लिए तो दौड़ेंगे बंदे, और यहाँ पे जिन लोगों का लग गया वो भी अपना प्रॉफिट बुक करने की जरूर सोचेंगे, तो उस जगह पे थोड़ा करेक्शन का वेट करना चाहिए, तब लगाना चाहिए, इतना हाइप में जाके नहीं लगाना चाहिए। आई एम श्योर फिर अगले दिन अगर ये शेयर यहाँ से 900 रुपये से 1100 के लेवल पे आ सकता था तो आप लोगों को लगेगा यार यहाँ काश मैं 900 में ले लेता, ये भी चीज़ हो सकती है आप लोगों के साथ में, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन का वेट जरूर कीजिएगा अगर आपका नहीं लग रहा, नहीं तो नेक्स्ट IPO में लगा सकते हैं, वहाँ पे लिस्टिंग गेन के हिसाब से आपको प्रॉफिट कमाना है तो एक माइंडसेट बना लीजिए, जैसे आपने IPO में लगाया और कहा कि मेरे को जैसे लिस्टिंग होनी है तो लिस्टिंग के डे पे ही मेरे को प्रॉफिट बुक करना है, मुझे लिस्टिंग गेन का ही फायदा उठाना है, ये मैं सोचे कि हाँ मैं इसे लॉन्ग टाइम पर्पज से रखूंगा उस हिसाब से, जिस हिसाब से सिनेरियो का नहीं, आपको एक रखना पड़ेगा माइंड के अंदर में कि अगर मेरे को लॉट लगता है तो वहाँ पे लिस्टिंग गेन पे मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा, और नहीं लगता तो मैं नेक्स्ट IPO पे चला जाऊँगा, या फिर ये शेयर इतना अच्छा है तो मैं इस शेयर को ले लेता हूँ, फिर मैं इतना टाइम तक इसके साथ में रह सकता हूँ, 1 साल या 2 साल या 3 साल जितने हिसाब से ये परफॉर्म करेगा। यहाँ पे समझ गए होंगे जिन लोगों का शेयर देखते हैं यहाँ पे, जैसे अरम्बा में देखा कि यहाँ पे 900 के लेवल पे हो और उन्हें फोमो टाइप में हो गया, यार काश मैंने लगाया तो मेरा लगा नहीं, क्यों ना मैं 900 के लेवल पे ले लूँ, तो ये सिनेरियो समझ गए होंगे आप, आपको लिस्टिंग गेन उठानी है, नहीं तो आपको क्या करना है वहाँ पे सीधा नेक्स्ट IPO की तरफ में चला जाना है, नहीं तो अगर वो शेयर नीचे की तरफ में जाता तो ऑब्वियस सी बात है आप वहाँ पे, अगर शेयर आपको सही लगता है कि ये थोड़ा सा नीचे करेक्शन वैल्यू पे आ रहा है, अपने PE लेवल पे आ रहा है, मतलब सस्ता मिल रहा है शेयर, तो आप वहाँ पे ले सकते हैं उस शेयर को, नहीं तो आप नेक्स्ट IPO में लगा सकते हैं। तो IPO का मकसद ही यही होता है, अगर आप में लगा रहे हैं तो आप लिस्टिंग गेन के लिए उठाएं उस शेयर को, और तभी आपके लिए बेनिफिट करेगा कोई भी IPO। जब भी आप किसी IPO में लगाएं तो वहाँ पे हमेशा लिस्टिंग गेन के बारे में सोचें, और ज़्यादातर यही सोचें कि मैं अगर इसमें अगर मेरे को प्रॉफिट हो रहा है तो मैं वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूँगा फर्स्ट डे पे अपने। और अगर देखिए मैं को अब सिनेरियो आपको समझा देता हूँ, जैसे यहाँ 600 रुपये में आपको ये हरम्बा का शेयर मिला, फिर यहाँ पे क्या ये 900 के आसपास में रहा, और आपको क्या तुरंत उसी टाइम पे 5 5 मिनट के कैंडल पे ही आपको सेल कर देना चाहिए, क्या चीज़ कर देना चाहिए, आपको 2 कैंडल का इंतज़ार करना है, ठीक है, ये 5 5 मिनट की मैंने खोल रखी है, यहाँ पे जैसे ही रेड वाला आपको देखने को मिल जाता है सेकंड कैंडल पे, यहाँ पे आपको सेल कर देना चाहिए, और अगर ये यहाँ पे आपको ग्रीन सिग्नल दिखाते ऊपर की तरफ में जाता है तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। तो 2 कैंडल का वेट करना है आप लोगों को सिर्फ, उससे ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं करनी है, और बाकी जैसे ही ये शेयर अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल दिखा देता तो यहाँ पे आपको होल्ड करके रखना है। यहाँ पे साफ संकेत आप लोगों को मिल गया था कि यहाँ से यहाँ पे काफ़ी जिन लोगों को लग गया उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। अगली वाली जो वीडियो आएगी उसमें मैं इसके फंडामेंटल और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, जिस हिसाब से इसके वॉल्यूम्स आए हैं और जितने ही शेयर आए थे, मतलब जितने ऑफर फॉर सेल आए थे, उसमें काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।